चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा छठवीं की विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग चार चैप्टर आपके देख चुके थे। इसमें बात करेंगे हम लोग पांचवें चैप्टर के बारे में, पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण याद रखिए। फिर से मैं वही बोलूंगा कि आप लोग इसे एक कहानी की तरह सुनिए, ठीक है? क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने लायक कुछ है भी नहीं है, ठीक? हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनी छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक किया जाता है। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा है कि रेशों के से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओंटते हैं। कदाचित आपने नमकीन दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है, तो खाने से पहले उन्हें सावधानी पूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा जाए, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यही ऐसा करना सहल प्रतीत होता है? परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हों, तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए, यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है, तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीन कर पृथक करने करने की सोचना भी संभव नहीं है। ये आपका दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला इस तरह से, ठीक है? सारणी 5.1 कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम है। पृथक करने का उद्देश्य अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 या 3 में दिखाया गया है। 3 जैसा 2 तथा 3 कॉलम में सूचना अव्यवस्थित को की गई है। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम को उसके उद्देश्य तथा पृथककृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं? ये पृथककरण का प्रक्रम, उद्देश्य जिसके लिए हम पृथककरण करते हैं। पृथककृत अवयवों का हम क्या करते हैं? चावलों से पत्थरों को पृथक करना, विभिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना। अनुपयोगी अवयवों को दूर करते हैं। हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। चाय की पत्तियों पृथक करना, हानिकारक अवयव अथवा अशुद्धियों को हम दूर करते हैं। हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करके करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के आमाप अथवा द्रव भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं जैसे ठोस, द्रव और गैस में से कोई भी हो सकती है। इसलिए हमें किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता हो। पृथक्करण की विधियां। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में देखा होगा। दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज की सीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्न कण पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसे टुकड़े, टूटे हुए अन्न के कण तथा अन्य खाद्य कण हैं? अब हम अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे अथवा अन्य कणों को इससे पृथक कीजिए। हस्त चयन। इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा पर्याप्त बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी स्थिति में हस्त चयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। अनाज से पत्थर के टुकड़े का हस्तचयन, ठीक? थ्रेसिंग क्या है? थ्रेसिंग, आपने खेत अथवा खलियानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियां के गट्ठर देखे होंगे।
सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठों पर लगे अन्न कणों की कल संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अन्न कणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से अनाजों को कैसे पृथक करते हैं? आमों और अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्न कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होता है। अन्न कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाए? सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के विक्रम को हम थ्रेसिंग कहते हैं। इस विक्रम में डंडियों को पीट कर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा ट्रैक्टर, ठीक है, ये डंडे से कर रहे हैं थ्रेसिंग। अब ट्रैक्टर वाला भी आ गया है, ठीक है, बहुत सी सुविधाएं हो गई। निष्पावन सूखी रेत अथवा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए, क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों के आप माप समान है? क्या हस्त चयन द्वारा इन पदार्थों को पृथक करना संभव है? अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए, किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए, ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होता है, क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता हो? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयव को पृथक करने में सफल हुई है? किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन उपयोगी पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी अथवा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। ये है जैसे ये कर रही है ना, हवा की दिशा है सू, ये नीचे अन्न नीचे गिर रहा है, भूसा है। अगर आप गांव से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने थ्रेसिंग भी देखी होगी। इस तरह की आप लोगों ने जो अलग किया जाता है अनाज और भूसा, इसे भी देखा होगा आप लोगों ने। आगे बात करते हैं, भूसे के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्रित हो जाते हैं, जबकि भारी अन्न कण पृथक होकर निष्पावन प्लेट फॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं चालन। कभी कभी हम आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, हम इसमें उपस्थित चौकर अन्न अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है, तब हम क्या करते हैं? इसके लिए हम चालानी या चन्नी का उपयोग करते हैं। उसमें आटा डालते हैं, आटे के छोटे इस तरह, वैसे तो ये तो आप लोगों ने देखा होगा अधिकतर लोगों ने, क्योंकि आप लोग खाना बनाते होंगे तो आप लोग यूज करते होंगे ना ये। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां चालने में रह जाती हैं। फिर यह आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर डंडियां तथा भूसा जो निष्पादन तथा थ्रेसर के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। इस प्रकार से आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ अथवा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। इस तरह कंकड़ तथा पत्थरों को रेत से अलग करते हुए कक्षा में एक चालनी छन्नी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चाक का पाउडर बनाइए, उसके आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक का पाउडर
तथा आटा का पृथक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी मापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। बात करते हैं हम लोग अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पादन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियों को कैसे पृथक करते हैं? तो यह पकाने से पहले चावल या दालों को जल में धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियां जल में चली जाती हैं। अब सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्यों, क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के विक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी से उड़ेलने की प्रक्रिया को हम लोग निस्तारण कहते हैं। अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों को पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन और निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। मिट्टी एवं जल का मिश्रण, आघुलित पदार्थों, मिट्टी ये नीचे, ठीक है। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दो पृथक पृथक परतों में बट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप चालनी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखते हैं। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं? अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए, क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, निस्यंदन, फिल्टर करना कहते हैं। अब सोचिए तैयार चार से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्पंदन से में से कौन सी विधि अच्छी है? अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नालों से गंदला जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो जाता है, विशेषकर बरसात के बाद। हम यह देखते हैं कि क्या यह पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसे आविलेप अशुद्धियां दूर कर सकते हैं। तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए। यदि यह ना मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी सी मिट्टी मिला लें। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानी पूर्वक प्रेक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षणों को लिखिए, क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई? ऐसा क्यों हुआ? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। आप इस विक्रम को क्या कहेंगे? क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निस्यंदन कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी से यह कार्य किया? कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों या धागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदन के रूप में किया जाता है। यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पथ द्वारा निस्संदित कर सकते हैं जिसमें और भी छोटे रंध हो सकते हैं। फिल्टर पथ का एक ऐसा निस्संदन होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिल्टर पथ के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पथ को शंकु के रूप में मोड़कर कीम में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पथ के ऊपर उड़ेलते हैं।
मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते हैं और फिल्टर पथ पर ही रह जाते हैं। देखिए इस तरह, साधारणतः फलों और सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनमें बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निसंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रवों का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग वाष्पन के बारे में। वाष्पन, एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाइए। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हैं? नमक जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। जल को उबाल कर उड़ने दीजिए। बीकर में बचता क्या है? नमक युक्त जल से भरा बीकर है। इस क्रियाकलाप में हम मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। याद रखिए, कहानी की तरह सब छोटे छोटे स्टम्स हैं जो आपके शब्द हैं उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए यार, आप देख ही रहेंगे, जल से नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। अगर पानी को और नमक मिले, पानी को अगर गर्म करेंगे तो भाप के द्वारा वो वाष्प द्वारा पानी उड़ जाएगा, नीचे में नमक बचेगा आपका, ठीक है। इसी तरह जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाता है। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। समझ गए, नमक बनाने की प्रक्रिया ये है आपकी, ठीक है। ये है आपका समुद्र जल से नमक प्राप्त करने की विधि। इस तरह पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों का बारे में अध्ययन किया है। प्रयाग किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, इसे आप कैसे पृथक करेंगे? हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं होती है। इस मिश्रण को बीकर में रखिए, इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ जाती है? इसे निस्तारण या निस्पंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या है? क्या आप सोचते हैं कि जल में वही नमक है जो आरंभ में मिश्रण में था? यस। अब इस निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद कर दिए। अब कुछ समय के तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोंटी से भाप निकलते निकलते देखते हैं? यस। इस तरह देखिए, और नमक भाप के जरिए आपका जल पूरा उड़ जाएगा, वाष्पन हो जाएगा और आपका नमक बचेगा। एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट को केतली की टोंटी के ठीक ऊपर पकड़िए, जैसा कि ऊपर इस तरह। आप क्या देखते हैं कि केतली के सारे जल को भाप में बदल दीजिए। जब आप भाप से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंदें होकर नीचे गिरने वाले यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन। जल वाष्प के रूप में ऊपर जाता है और फिर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया हो तब उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदें को देखा होगा? आपने जब देखा होगा कि कुछ भी हम गर्म करते हैं उस पर अगर हम लोग प्लेट रख देते हैं तो उस पर प्लेट पर कुछ बूंदें दिखती हैं हमें पानी की, वही आपकी संघनित जल की बूंदें हैं। जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है?
नमक। इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निसंदन, उपवाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया है। पहली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था, फिर उसने क्रियाकलाप में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया है, परंतु उसने पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े से भाग की ही पुनः प्राप्ति कर पाई। उसने यह कहाँ त्रुटि हुई होगी? क्या जल किसी पदार्थ को कितनी मात्रा में घोल सकता है? हमने अध्याय 4 में पढ़ा है कि कई पदार्थ जल में घोलकर विलयन बनाते हैं, तब हम उन पदार्थों को जल में विलेयी कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चय रखकर उस पदार्थ की मात्रा को निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, एक चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ीलिए, एक चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक बिलोड़ित कीजिए जब तक कि यह पूरी तरह से घुल ना जाए। अब फिर एक चम्मच नमक डालिए और भली भांति बिलोड़ित कीजिए। इसी प्रकार एक एक चम्मच करके नमक मिलाते तथा बिलोड़ित करते जाइए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ आविलेय नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है? यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता है। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन। यह एक संकेत है जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में मिली नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। आविलेय नामक नमक रेत के साथ मिला रह गया, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी। कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? बीकर में कुछ जल लीजिए, उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि इसमें और नमक ना घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होगा। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं? बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या अब यह घुल गया? यदि हाँ, तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? इस विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घुली जा सकती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? आइए हम लोग जानते हैं। 2 गिलास लीजिए, प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए, 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और तब तक बिलोड़ित कीजिए जब तक कि वह घुल ना जाए। 1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते रहिए। नमक के चम्मचों की संख्या जो कि घोली गई है, अब इसमें लिखना है। हम क्रियाकलापों की चीनी को से दोहराएं। आप इसको जल में विलयन अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है? हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में किया है। हमने यह भी देखा है कि पदार्थों को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ ना घोल सके तो उसे हम लोग संतृप्त विलयन कहलाते हैं। इस पाठ में हम लोगों ने अध्याय में जाना है, किने किने मंथन को भी जाना है, संघनन को जाना है, निस्तारण शब्द की परिभाषा जानी, बाष्पन की, निस्यंदन की, हस्तचयन की, संतृप्त विलयन की, अवसादन, चालन, विलयन, थ्रेसिंग, निष्पादन। ठीक है, अगर आप लोगों को फिर भी समझ में ये शब्द ना आए हों तो एक बार और जरूर देखिए। इसका जो सारांश था उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हस्तचयन, निष्पादन, चालन, अवसादन, निस्तारण, निसंदन मिश्रणों से
उसके अवयवों को पृथक करने की कुछ विधियां हैं। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जा सकता है। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पादन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। किसी मिश्रण के कणों की आमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्संदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक करण में किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जाता है। या द्रव उसके अभिलेय पदार्थों के अवयवों को निस्संदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राओं को घोलता है। ठीक है, ये आपके कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चन हैं। वैसे भी आपकी PDF डाल दी है वहाँ टेलीग्राम पर। ठीक है, उसमें से देखते रहिए वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसा आपको सहूलियत हो। एक दो बार आप लोग सुनेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा, पता है, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। नॉर्मल किताबें लिखी गई हैं, कक्षा 8वीं तक की जो भी आपकी NCERT हैं बहुत ही नॉर्मल शब्दों में लिखी गई हैं। तो ये था आपका 5वां चैप्टर। आगे हम लोग बात करेंगे हमारे चारों ओर के परिवर्तन के बारे में।